मैसेज कब गिरा था? प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम रणवीर को कुछ नहीं बोलोगे। रितिका तुम यहां और किससे बात करें? और वहां क्या देखिए? बैठो बैठो, तुम ठीक हो? हाँ, I'm fine. देखा तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो फिशा से मिलने के लिए आई थी। हाँ, वो मैं फिशा से मिलने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे लू जाना था तो ढूंढते यहाँ तक आ गई। रितिका, मैंने तुम्हें बताया था ये आखिरी महीना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने जिद की थी मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अब से तुम्हें अगर लू भी जाना होगा तो तुम मुझे साथ में लेकर जाओ। मेरा मतलब है लू तक साथ में लेकर जाओ। तुम्हें पता है जब तुम मेरी नजर से एक मिनट के लिए दूर हो दूर मुझे घबराहट होने लगा। तुम प्लीज मेरे सामने आ या फिर मुझे अपने साथ रख लिया कर, वरना तुम्हारा तो क्या डॉक्टर मुझे डांटेगा। तो अब से तुम मेरे सामने से गायब नहीं हो। माय आईज आर ऑन यू। ओके, तुम्हारा सर फिरा दो, तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, मिल लो उसे, आप संभाल करो। रितिका, विक्रम, रितिका। अरे दोनों बहनों की सवारी कहाँ से आ रही है? अरे नहीं जीजा जी, बस मार्केट तक गए थे। हाँ, सुबह सुबह रितिका को जलेबी खाने का मन कर रहा था, इसलिए जलेबी लेने गए थे उसके। पर रितिका तो घर पर है नहीं। नहीं है तो कहाँ चली गई? मैंने तो उसे मना किया था पलंग से पाँव नीचे रखने के लिए। अरे अब्बा, तूने कहा था, पर डॉक्टर यहाँ आई थी, उसने कहा कि रितिका को थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए, इसलिए रणवीर उसे लेकर शिखर की बहन की सगाई पे चला गया। लेकिन उसने तो मना कर दिया था ना वहाँ जाने से, फिर क्यों गया? अच्छा है ना अब्बा, दोनों का कम से कम दिल बहल जाएगा। ला ये जलेबी मुझे दे दे, मैं खा लेता हूँ वरना आप ठंडी हो जाएंगे। यहाँ मेरा दिमाग गर्म हो रहा है और आपको जलेबी के ठंडे होने की पड़ी है। इतनी सी बात पर इतना क्यों नाराज हो गई? जीजा जी, अब मेरे को समझ आया ना कि मोटी बहन इतना क्यों उखड़ रही है। अरे वो हंसा बहन पारेख भी तो वहाँ होगी ना? सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा कुनबा होगा वहाँ, उसके नालायक पोते देवर से जो सगाई हो रही है। अरे तो होने देना अब्बा, हमारा रणवीर शिखर की बहन के लिए गया है, पारेख फैमिली से उसका क्या लेना देना। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि कोई भी काम करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया कीजिए। दुनियादारी तो आपको आती नहीं है। लो, क्या लगता है आपको वो बुढ़िया यहाँ न्योता देने क्यों आई थी? निशानी के भरने के बाद हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर किस रिश्ते से आई थी वो यहाँ न्योता देने? जरूर उसके मन में कुछ कीड़ा कांडी करने का प्लान चल रहा होगा। अम्मा, कीड़ा तेरे दिमाग में चल रहा है वो भी शक का? अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाले वो लोग। आपसे पूछ के करेंगे? देखो रणवीर कोई बच्चा थोड़ी ना है, संभाल लेगा वो सब। बच्चा है वो मेरे लिए, मैं रणवीर और रितिका को उन लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वैसे भी रितिका पेट से है, उस बुढ़िया की बुरी नजर अगर उस पर पड़ गई ना तो। हे ब्यूटीफुल, आखिर तुम आई गई। मुझे तो आना ही था, दोस्ती जो निभानी है। बस 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 बस, मुझे सब पता है, तुम मेरी दोस्ती की वजह से नहीं, अपने इस पति के वजह से आई। हेलो रॉकस्टार, व्हाट्स अप, कैसे हो तुम? अंदर मजा आ रहा है? हाँ, इसे बहुत मजा आ रहा है, बहुत परेशान करता है दिन भर, और अब तो पूरे दिन किक करता है। फुटबॉल प्लेयर बनेगा 100%। तो मैं चाहती थी रणवीर मेरे बिना खुश रहे, तो आज जब वो रितिका के साथ खुश है, उसके बच्चे का
बाप बनने वाले थे, उसकी खुशी में खुश होने के बजाय रो रहे। मेरे दूर रहने से रणवीर की लाइफ में इतना मैं उससे दूर ही रहूंगी और बिल्कुल नहीं रहूंगी। खुश बहुत खुश। मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मैंने रितिका से प्रॉमिस किया कि मैं उसे खुश रखूंगा, ये उदासी वो एहसास हमारे बीच नहीं आने दूंगा। तो अब जब वो खुश है तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? मुझे तो खुश होना चाहिए कि रितिका इतनी खुश है। आरवी, आरवी, कम, अपने एक दोस्त से मास्टर से मिलवाता हूँ। डायमंड बिजनेस है वो भी। कम, 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 कम। वैसे कहाँ है तुम्हारी नई दोस्त निरुपा? मुझे इस झूठ रितिका पर प्रॉमिस ना तोड़े। और मेरे बारे में किसी को कुछ ना बता। लेकिन अगर उसने बता दिया तो प्लीज मत तोड़ना। प्लीज अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। ये मैसेज जरूर ईशानी ने भेजा होगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, शिखर को भी नहीं। हाँ, मिलवाना तो चाहता हूँ पर वो लोगों के बीच ही नहीं आती। क्यों, शर्माती है क्या? शर्माती तो है और घबराती भी है। उसके पास्ट की वजह से वो आज ऐसी है। ऐसा क्या हुआ उसके पास्ट में? पता नहीं, मैंने ज्यादा पूछा नहीं इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो, उसके बारे में जानो और मुझे बताओ कि तुम हम दोनों के बारे में क्या सोचते हो। वो सब छोड़ो, ये बताओ ना तुम्हें वो मिली कहाँ और तुम्हारे घर में कैसे आ गई? बड़ी अजीब सी स्टोरी है यार, मिलने गया था किसी और लड़की से और मिल गई। शानी से प्यार करता है तो वो तुम्हें पसंद आने लगी है, मतलब यू स्टार्टेड लाइकिंग हर। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो मेरे घर में नहीं, मेरे दिल में घर बनाने लगी। दिल की घंटी बजा दी है उसने। शिखर, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और जो भी तुमने उस लड़की के बारे में बताया, शी सीम्स लाइक अ नाइस गर्ल। आई होप कि तुम उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स नॉट। अगर मैं उसके साथ सीरियस नहीं होता तो तुम दोनों को क्यों बताता? शिखर बेटा, आ मॉम, जल्दी आओ, देखो देवश की फैमिली आ गई। ओके, आई हैव टू गो। ओके, बाय। समधन जी, आप मुझे चेताली बुला सकते हैं। अरे आओ ना बेटा, आओ बेटा। ओके,
फाइनली मेरा बेटा बड़े घर की बेटी लेकर आया। चेतु, ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम नहीं था, ये तुम्हारा सबसे पुराना स्वीट ड्रीम था। ये निशानी कहीं दिख नहीं रही है, पर होगी तो इसी घर में। ये रणवीर और रितिका ही दिख रहे, अम्मा कहाँ है? लगता है अभी तक आई नहीं, पर आएगी जरूर। एक बार बस एक बार निशानी को देख लेना, फिर उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे किसी भूत को देख लिया। अरे कैसे? शिखर की मॉम और ये है शिखर के डैड। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, आज के दिन मेरी बेटी को जितने भी आशीर्वाद मिले ना उतने कम ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही टाइम पे आई है, एंगेजमेंट शुरू होने वाली। कृषा कहाँ है? कृषा वो भी आती होगी। आइए ना प्लीज। आंटी जी, त्रिशा दीदी आपको बुला रही हैं। मैं अभी आती हूँ। सर, शिखर जी कहाँ मिलेंगे? उनसे कुछ मेन्यू के बारे में पूछना था। अच्छा, यही होगा कि चलो तो मैं देखता हूँ। आइए ना प्लीज। हाँ जी। जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ, पारिक है ना, उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। मुझे उसके इरादे नेक नहीं लग रहे। दिखना, यहाँ आने से पहले कम से कम मुझे एक बार पूछ लेती। मम्मा को बता दूं कि ईशानी इसी का। आहा, न कहीं आखिर तूने मेरा न्योता स्वीकार ही लिया ये है। तेरे तुम्हें क्रियाक्रम के न्योते पे हूँ मैं, यहाँ तेरे न्योते पे नहीं, रितिका के दोस्त शिखर के न्योते पे आई हूँ अपनी बहू का मान रखने। रामाड़ी रे, बड़ी इतरा रही है मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी खुशियाँ। जितनी नजर उतारनी है ना आज उतार ले, क्योंकि थोड़ी देर के बाद न तेरे हाथ पांव चलेंगे न तेरा दिमाग। बा, आप यहाँ है? आइए ना, वो संगीता जी आपसे मिलना चाहती। अरे रुकना, जरा बात करने दे भाई। हाँ हाँ समदन जी, लीजिए यहाँ से। आज मैं सबके सामने अपना देना इनके लिए, मेरे लिए। हाँ ना करे। बा आइए ना, आइए बा। हाँ हाँ चल चल चल। अरे बच्चू, मम्मा प्लीज छोड़ दीजिए ना। अभी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, ईशानी के बारे में बाद में बताऊंगी। आप ये क्या कर रहे हैं? आज देवर्ष की सगाई है, इतने सारे लोग आए हुए हैं और आपको आज ही का दिन मिला था अम्बा से झगड़ा करने के लिए। आप चलिए, मैं आपको शिखर से मिलवाती हूँ। आप प्लीज ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे हमें या देवर्ष के ससुराल वालों को शर्मिंदा होना पड़े। देखिए ना, देखिए मेरी बहू को, ऐसा लग रहा है आसमान से परी नीचे उतर कर आ रही है ना? है ना?
अरे वो शिखर कहाँ रह गया? मॉम मैं यहाँ। ढूंढना पड़ेगा। ऐसे रुकना सीख गया, ये भी मुझे देख सकता। मौके पे आया तेरे भाई की सगाई है, है? पता कब से वेट कर रहा हूं, आ गया ना टाइम पे। कम फिर से इंट्रोड्यूस कराता हूं। चलो क्रिस, माय ब्रदर शर्मन। हाय भैया, हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ आर यू? फाइन। क्रिस की मॉम कंचन जी। तुम थक गए तो हमारे बच्चे पर असर पड़ेगा।